सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा धे आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं धे टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे 5G और हुवेई विवाद पर। देखेंगे 5G टेक्नोलॉजी क्या होती है, हुवेई विवाद क्या है, कैसे इसका जो संदर्भ है वह वैश्विक होता जा रहा है और इस समय एक कोल्ड वॉर की कंडीशन टेक्नोलॉजी और हुवेई को लेकर बनती जा रही। जी हाँ, सिर्फ एक कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, हुवेई। उसकी वजह से तनाव का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो देखेंगे आखिर ये हुवेई का विवाद क्या है, इसमें 5G की भूमिका क्या है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे कुई झोऊ 11, जिसको KZ-11 के नाम से भी जानते हैं, क्या है और इस समय क्यों चर्चा में बना हुआ। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे 5G हुवेई विवाद पर। एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आप एक ऑफिस देखिए, यह ऑफिस है काफ़ी विशाल। यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, इसका नाम है हुवेई। यह जो कंपनी है क्या करती है, 5G के जो उपकरण होते हैं उनका निर्माण करती है। यह मोबाइल डिवाइस की भी चीज़ें बनाती है। यह जो है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने वाले दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसका ऑफिस देखिए, यह जो ऑफिस है छोटा मोटा ऑफिस नहीं है, काफी विशाल है। इतना विशाल है कि इसके एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने के लिए यहां पे ट्रेनों का इंतजाम किया है। ट्रेनें का मतलब ऐसा नहीं कि रेलवे स्टेशन से खुलेगी दूसरे, लेकिन हां यहां पे ट्रेनें चलती हैं कि अगर आपको एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाना है तो आप उसका यूज करिए, आपका समय बचेगा। इतना बड़ा ऑफिस है। और यह जो ऑफिस है यह क्या करता है, यह बनाता है 5G टेक्नोलॉजी के उपकरण और साथ ही साथ उसमें रिसर्च और इनोवेशन का इनपुट डालता है। और यह जो चेहरा आपके सामने है यह है हुवेई के संस्थापक। इनका कुछ नाम है, आगे चलकर मैं बताऊंगा, लेकिन इन्होंने ही क्या किया था, हुवेई की स्थापना की थी 1987 में। और आज ये कंपनी जो है कि पूरे विश्व में राज करती है और 5G के क्षेत्र में इसको टक्कर देने वाला दूसरी कोई कंपनी अभी नहीं है। यह चीन के एक जो है कि वहाँ का जो आर्मी है वहाँ से रिटायर्ड हुए व्यक्ति हैं और इन्होंने अपने रिसर्च का यूज किया, अपने इनोवेशन आइडियाज का यूज किया और आज यह पूरे दुनिया पर 5G के मुकाबले में सबसे आगे हैं। वहीं पर यह एक टावर देखिए, यह जो टावर है यह कुछ छोटा सा टावर है। जैसे हमने देखा होगा मोबाइल के टावर होते हैं ना हमारे गांव में, तो मोबाइल के जो टावर होते हैं उसमें देखते होंगे वह क्या करते हैं, वह दरअसल जो है कि वहां से जो किरणें आती हैं, जो रेडिएशन आते हैं, जो वेव्स आते हैं, वह हमारे मोबाइल को क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। ठीक इसी तरह से यह जो टावर है यह 5G टावर है। यह इतने छोटे होते हैं, इन पर देखिए जो व्हाइट कलर के छोटे छोटे से डब्बे लगे हैं, यह जो डब्बे हैं यही टावर हैं। पूरा जो खंभा है ये टावर नहीं, इसमें जो छोटे छोटे जो डब्बे लगे हैं। और ये जो टावर होते हैं क्या करते हैं, जब आप इन टावर के टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिसको हम 5G टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो आपका जो मोबाइल है ना वह सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। कहेंगे कैसे, यह ऐसे काम करता है कि जो चीजें आज आपकी कल्पना का भाग है यह जो टावर होते हैं जहां पर लग जाते हैं और जब ये फुल स्पीड देते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ किया हो गया। जैसे आपको, आप जो है कि मोबाइल चला रहे हैं, आपको लगा कि कोई मूवी है उसको डाउन
डाउनलोड करना है। आपने क्लिक किया, मोबाइल में जो है कि आपका वो हम जो मूवी है, जो पिक्चर है, वो डाउनलोड हो चुकी है। सोचिए ऐसे ही आपको लगता है कि आपके पास जो मशीनें हैं उनको आपको मोबाइल से चलाना है और उसके लिए उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ देना है, उनमें जो है कि कुछ ऐसे इनपुट्स डालने हैं जिससे वह आपके आदेश के अनुसार काम कर सके। तो आप मोबाइल में ऐसे सॉफ्टवेयर रख सकते हैं, ऐसी चीज़ें रख सकते हैं और आप कहीं बैठे हुए आप अपने घर की मशीनों से काम करवा सकते हैं। यह होगा 5G। कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से लेकर हर चीज़ इसके अंतर्गत आ सकती है। तो आइए हम बात करते हैं इसके मिनट्स पर। तकनीकी की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वह यह होती है कि इसमें तेजी से परिवर्तन आता है। आप इसको देखिए कि आप आज जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आप एक दशक पीछे जाकर देखिए और उस मोबाइल से कंपेयर करिए। जैसे मैं कहूँ कि आपको एक कीपैड मोबाइल दिया जाए जिससे सिर्फ आप बात कर सकते हैं, कुछ सीमित जो है कि मात्रा में मैसेज केवल टाइप कर सकते हैं, और आज आपके पास जो मोबाइल है वह क्या करता है, मिनी लैपटॉप की तरह काम करता है। और मैं कहूँगा और कुछ पीछे जाइए तो आपको एक ऐसा फोन दिखाई देगा जिससे सिर्फ और सिर्फ आप बात कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज देखिए आप मोबाइल से चलते फिरते लैपटॉप और कंप्यूटर जैसी काम भी इससे ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यही अंतर आया है तकनीकी में, और इस तकनीकी को सिर्फ मोबाइल के क्षेत्र में नहीं, आप घर में पड़ी हुई हर चीज में आप देख सकते हैं। अब इसको हम फोन पर केंद्रित करते हैं क्योंकि पूरा टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ। पहले के फोन और आज के फोन जिसको हम स्मार्टफोन कहते हैं, आप देख सकते हैं जमीन आसमान का अंतर। दरअसल हुआ क्या है कि जो सर्वाधिक तकनीकी में परिवर्तन आया है उसमें से एक क्षेत्र मोबाइल का है, और इसके वजह से क्या हुआ है, जो हमारा सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है अर्थात मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी तेजी से परिवर्तन आया। इस परिवर्तन को इंडिकेट करने के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, जनरेशन अर्थात पीढ़ी। इसका मतलब यह है कि जब मोबाइल की सेवाएँ प्रारंभ हुई हैं तब से लेकर अब तक जो है कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें परिवर्तन हुआ है, और इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, जनरेशन के नाम से कहते हैं। जैसे हम कहते हैं पहली जनरेशन के मोबाइल, इसका मतलब है कि हम उस मोबाइल की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं जो 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ था। जब हम कहते हैं दूसरी जनरेशन के मोबाइल, इसका मतलब है कि वह मोबाइल जिनका विकास 1990 के दशक में हुआ था, अर्थात 1990 के दशक की जो टेक्नोलॉजी वाले फ़ोन हैं उनको हम सेकेंड जनरेशन के कहते हैं। तीसरी जो जनरेशन का प्रारंभ होता है वह वर्ष 2000 के बाद होता है, और जो चौथी जनरेशन जिसमें अधिकांश लोग अभी भी भारत में अधिकांश लोग क्या करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वह है आपका 4G टेक्नोलॉजी। हम भी आप भी सभी लोग क्या करते हैं, 4G टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लेकिन इससे बढ़कर है एक 5G टेक्नोलॉजी, अर्थात जो टेक्नोलॉजी आज कुछ विश्व के विकसित देशों में हकीकत बन चुकी है, हमें वहां पर पहुंचना है। विश्व के कई भागों में आज 5G टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, भारत में लाने की भी तैयारी हो रही है। प्रश्न आएगा आखिर 5G में क्या होगा, तो 5G में बस ये समझिए कि जो कुछ भी आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखते हैं इन सब में रेडिकल चेंज आएगा, इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा कि हम सोच नहीं सकते। कैसे, इसमें जो 5G टेक्नोलॉजी जब काम करेगी फुल इफिशेंसी के साथ, तो हम जो मशीनें होते हैं, जो रोबोट होते हैं, उनसे हम क्या कर सकेंगे, बात कर सकेंगे, वह हमारे निर्देशों के अनुसार कार्य कर सकेंगे। कहेंगे अभी तो कुछ रोबोट करते हैं, लेकिन जब 5G होगा तो कुछ नहीं, आप दुनिया के हर काम से क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं अच्छी चीज भी है लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी हैं, अर्थात जो टेक्नोलॉजी जब क्या होगा, जब आपका जो नेटवर्क है वो काफी मजबूत होगा, तो आप बिना ब्रेक लिए कुछ भी किए आप जो है कि किसी भी डिवाइस से उसके फंक्शन को कहीं से भी सर्कुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आप घर से ऑफिस से आज घर जब जा रहे हैं तो आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है, और कोल्ड ड्रिंक आपको पता है आपके यहां फ्रिज में रखा है लेकिन फ्रिज बंद है, आप मोबाइल से क्या कर सकते हैं, उसको चालू कर सकते हैं। कहेंगे अभी भी कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन यह जब होगा, जब 5G होगा, तो काफी आसान होगा, बहुत चुटकियों बजाते ही सब काम हो जाए करेंगे। ठीक इसी तरह से आपने सुना होगा कि जो ऑटोमेटिक गाड़ियां होती हैं, अभी ऑटोमेटिक गाड़ियां जब चलती हैं तो उनके साथ बड़ी दिक्कत आती है, पता नहीं कौन सी गाड़ी कहां पे आकर ब्रेक मार दे, कब टकरा जाए। लेकिन क्या होगा, जब यह 5G होगा तो हम गाड़ियों में इतने अच्छे सेंसर लगाएंगे कि वो क्या करे, पास में आने वाले हर चीज़ को नोट कर सके और वह गाड़ी को अपने आप कह सके कि यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे आगे गाड़ी खड़ी है, हमें कितना लेफ्ट जाना है, कितना राइट। ये सब क्या होगा, नेटवर्क। नेटवर्क क्या करता है, जैसे सूचनाएं पहुँचा
जाता है। और सूचना जब मशीनों तक काफ़ी फास्ट तरीके से काफ़ी फिल्टर होकर पहुंचेगी तो मशीन भी क्या करेगी, वैसा ही व्यवहार करेगी जैसे व्यक्ति सोचने समझने का कार्य करता है। इसके माध्यम से 5G टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोबोट के माध्यम से भी ऑपरेशन हो सकता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है, बीमार है, उसका तुरंत ऑपरेशन होना है, डॉक्टर अभी दूर है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अगर वो वीडियो कॉल करें या किसी को निर्देश दें तो आपको पता है काफ़ी इंटरप्ट होता है, काफ़ी चीज़ें दिक्कत होती हैं, वो पूरी तरह से देख भी नहीं पाएंगे कि हाँ क्या हो। लेकिन जब 5G टेक्नोलॉजी होगा तो क्या होगा, एक स्क्रीन लगा होगा, सामने एक रोबोट होगा और उसके सामने पेशेंट होगा, डॉक्टर वहाँ से बताएंगे ऐसे ऐसे करते जाओ और रोबोट क्या होगा करता चला जाएगा। ये होगा 5G टेक्नोलॉजी। जो 5G टेक्नोलॉजी जब आएगा तो यह जो अंतरिक्ष है, जो कृषि वाला क्षेत्र है, जो हमारे मैंने जलवायु संबंधी चुनौतियां हैं, जो रिमोट सेंसिंग है, जो सुरक्षा संबंधी जो कार्य है, ये सभी में क्या होगा, रेडिकल चेंज होगा, अर्थात सब चीज आपको बदली हुई नजर आएगी। आपदाएं जो हमारे सामने आती हैं, इनको भी हम टैकल करने में, इनका मुकाबला करने में, लोगों का बचाव करने में भी क्या हो सकता है, काफी सहायक हो सकता है। इसमें इंटरनेट की जो स्पीड है वह 20 GBS अर्थात 20 जो है कि गीगाबाइट से अधिक होगा। आप समझ सकते हैं कि 20 गीगाबाइट से क्या होगा, अधिक होगा। इसमें तकनीकी की जो बैंडविड्थ होगी वह काफ़ी हाई होगी। आपको पता है किसी भी टेक्नोलॉजी में जब बैंडविड्थ क्या होता है, ज़्यादा होता है तो उसका क्या होता है, कोई भी आपको फाइल में एक्सेस लेना है, उसको डाउनलोड करना है तो ईजिली हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, जो बैंडविड्थ होगा वह काफ़ी हाई होगा। 5G नेटवर्क में लो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात इसको चालू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन नहीं करना होता है। और साथ ही साथ ये जो सामान्य नेटवर्क की तुलना में लगभग 90% कम नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि जो आपको टावर लगाने हैं उसमें जो डाटा का ट्रांसमिशन होना है, उस नेटवर्क में ये काफ़ी कम जगह घेरता है और काफ़ी इफ़िशियंट तरीके से अपनी सेवाएँ देता है। ये जो है कि जो टेक्नोलॉजी होता है वह क्या करता है कि बहुत से नेटवर्क को, अर्थात आप मान लीजिए आपके पास, आपको कोई गांव है, वहां पे कई मोबाइल हैं और कई अलग अलग ऑपरेटर के, लेकिन ये क्या कर सकता है, एक साथ सबको जोड़ सकता है, अर्थात अधिक से अधिक नेटवर्क को जोड़ने की क्षमता इसमें है, जो कि 4G की तुलना में कई गुना ज्यादा है। इसमें बैटरी का जो खर्च होता है वो बहुत कम होता है। आपने देखा होगा इस समय जब मोबाइल आप चार्ज करते हैं और उसको फिर रख देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, नेट आपका चालू रहता है और उसके वजह से डेटा खत्म होता रहता है। इसमें यहां पर ऐसा चीजें नहीं होंगे। कुल मिलाकर यह जो है आपका जो 5G है, यह जो है कि 4G से बिल्कुल अलग होगा। यह क्या करेगा, पूरे मोबाइल सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर का जो पूरी जो संरचना है उसमें परिवर्तन लाकर रख देगा। इस समय 5G के जो क्षेत्र में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो चीन की कंपनी हुवेई का है। देखिए एक चीज़ देख समझिए, इसको हुवेई बोलते हैं, हुवावे भी बोलते हैं, जो आप प्रोनाउंस कर सके, इसीलिए मैंने इंग्लिश में इसको लिखा है, आप उसको सही से आप जैसा समझते हैं उसको कर लीजिएगा। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1987 में, किसकी, हुवेई की, और की गई थी रेन जेंगफे द्वारा। और जो यह जो रेन जेंगफे थे वो चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उसमें यह इंजीनियर थे, और जब वहां से रिटायर्ड हुए तो इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी खोली जिसका नाम है हुवेई, और यह वर्तमान समय में चीन की सबसे बड़ी कंपनी है। जी हाँ, यह चीन की सबसे बड़ी कंपनी है और विश्व में सर्वाधिक मात्रा में टेलीकॉम उपकरण का यह उत्पादन करती है। वर्ष 2020 की पहली छमाही में कोरोना काल जबकि चल रहा है, इस समय कंपनी का राजस्व लगभग $65 बिलियन, ध्यान दीजिएगा $65 बिलियन रहा है। आप इसे समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। वर्ष 2020 में ही इस कंपनी द्वारा लगभग 5 लाख टावर लगाए जाने हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया वैसे 5 लाख टावर लगाए जाने, और ये टावर 1-2 हज़ार रुपये के नहीं होते, काफ़ी महंगे होते हैं। चूँकि कंपनी का जो है कि यह जो कंपनी हुवावे, ये किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है, इस वजह से कंपनी के विषय में ज़्यादा जानकारियाँ बाहर नहीं आ पाती। बस यही पता है कि चूंकि इसकी जो कंपनी का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वह जो है कि चीन में है, और साथ ही साथ इसकी जो हिस्सेदारी है वह इनके फाउंडर और उनसे जुड़े कुछ लोगों के पास है। चूंकि कंपनी के मालिक और उससे जुड़े लोग PLA से संबंधित हैं, अर्थात पीपल्स लिबरेशन आर्मी से संबंधित हैं, इस कारण कई देशों और संस्थाओं द्वारा यह चेतावनी दी जाती रही है कि इस कंपनी के माध्यम से, अर्थात हुवेई कंपनी के माध्यम से, चीन किसी देश के
डेटा तक अपनी पहुंच बना सकता है। कैसे बना सकता है? ये जो 5G के टावर लगते हैं इसमें क्या होता है, डेटा ही तो ट्रांसफ़र होता है, और इसका मुख्य सर्वर कहाँ पर है, वह चीन के हुआवे कंपनी के पास है। तो जब सभी सूचनाएँ आप इसी सर्वर से लेन देन कर रहे हैं, तो अगर यह कंपनी चीन की सरकार के साथ मिली हुई है तो आपके सभी डेटा उन तक क्या हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं। इसी के कारण कई लोग ये कहते हैं कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। और ऐसा नहीं कि अभी कहा जा रहा है, ये बहुत पहले से कहा जा रहा है। इस कंपनी का इस समय जो है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है तो इस पर स्पष्टीकरण आता है। स्पष्टीकरण उसका ये आता है कि चीन की सरकार या आर्मी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हाँ, इसके जो फाउंडर वो खुद कहते हैं कि चूंकि मैं आर्मी से आया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रोफेशनल इथिक्स को छोड़कर मैं सरकार के साथ मिल जाऊं। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों का कहना है कि नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है, यह जो कंपनी है वह चाइना गवर्नमेंट के पॉलिसी के अनुसार कार्य करती है और उसको सूचनाएं पहुंचाती है। ये जो कंपनी है चूंकि इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये वर्तमान समय में जो 5G के उपकरण होते हैं ये दुनिया की अन्य कंपनियों की तुलना में काफ़ी सस्ता बनाती है। अगर हम कंपेयर करें, हमें एक 5G का टावर लेना है और मान लीजिए उस टावर की कीमत अगर आपको हुवेई दे रहा है 40 रुपये में, तो मान के चलिए दूसरी कंपनियाँ हैं, नोकिया है, इरक्सन है, सैमसंग है, ये कंपनियाँ कम से कम आपसे 60 से 65 रुपये लेंगी, अर्थात 20 से 25 रुपये का क्या होगा, अंतर आएगा। आप समझ सकते हैं जब इसका सस्ता है प्रोडक्ट और बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन भी करता है, तो हर एक देश, हर एक लोग क्या चाहेंगे कि इससे जुड़ना चाहेंगे, इसके प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे। और काफ़ी सस्ती कीमत में चीज़ें क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, सर्विस ठीक भी होती है। इसी के कारण जो अन्य कंपनियां हैं वह इनके टक्कर में टिक नहीं पाती। आपको पता है चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वह काफ़ी सस्ता होता है, चूँकि वहाँ का सप्लाई चेन विकसित है, वहाँ पर जो कीमत मिलती है मजदूरों को वो भी बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं, तो कई कारणों से वहां पर क्या है, प्रोडक्शन की लागत कम है, इसके वजह से इनका प्रोडक्शन क्या होता है, काफी सस्ता होता है, और इसी कारण पूरी वेस्ट में इसकी मांग होती है। इस समय जो 5G की अन्य कंपनियां हैं, नोकिया है, सैमसंग है, इरक्सन है, फाइबर होम है, GTE है, ये सभी कंपनियां 5G के क्षेत्र में अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन सबसे आगे है हुवेई। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था, अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, कुछ समय पहले, मतलब ये नहीं है एक महीना पहले, कई साल पहले यहां पर क्या हुआ था, अमेरिका ने हुवेई कंपनी को अपने यहां प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगाया इस यह कहते हुए कि जो हुवेई कंपनी है इसके माध्यम से चीन हम पर नज़र रखता है, हमारे डेटा की जासूसी करता है, इसलिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा, इसलिए हम इस पर प्रतिबंध लगाते हैं। एक प्रतिबंध का आधार ये भी था कि कल के वीडियो में ही मैंने बताया था कि अमेरिका ने ईरान के साथ काम करने वाले सभी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने की बात कही थी। तो दरअसल यह कंपनी भी क्या कर रही थी, ईरान के साथ व्यापार कर रही थी, और अमेरिका से इस चीज़ को इसने छुपाया, इसके कारण इस पर क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया गया। कुल मिलाकर मेन कारण है सुरक्षा, और दूसरा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद कंपनी का व्यापार करना, इस पर क्या किया गया, अमेरिका में प्रतिबंध लगा दिया गया, और प्रतिबंध अभी हटा नहीं है, मई 2021 तक प्रतिबंध इस पर लगा है। इसके बाद जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया ये कहते हुए इससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, उसके बाद अन्य देशों से भी अमेरिका ने कहा कि आप भी क्या करो, इसी पर प्रतिबंध लगाओ, क्योंकि आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा, आप सोचो कि हम अमेरिका जैसे देश जहां पर हमारा जो साइबर सिक्योरिटी है काफ़ी मजबूत है, जब हम डर रहे हैं तो आपको भी क्या होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। अमेरिका ने मई 2019 में भारत सरकार को भी कहा, पत्र लिखा और उनसे कहा कि आप कोई और विकल्प देखो, आप हुवेई के चक्कर में मत पड़ो। कुछ दिन बाद अभी कुछ दिन पहले ही क्या हुआ है, ब्रिटेन ने यह कहा कि हमें D10 अर्थात डेमोक्रेसी 10 नामक एक संगठन बनाने की आवश्यकता है, जिसमें क्या करें, सभी लोकतांत्रिक जो देश हैं वह जुड़ें और इस प्रकार से कार्य करें कि वो किसी भी चुनौती से निपट सके। प्रश्न आएगा कौन सी चुनौती, तो दरअसल D10 बनाने के पीछे एक प्रमुख कारण 5G भी था। इसका जो उद्देश्य था वह एक ये भी था कि 5G के क्षेत्र में जो डेमोक्रेसी 10 अर्थात D10 ग्रुप के जो सदस्य देश हैं वह आपस में सहयोग करें और 5G के विकास के लिए एक दूसरे की कंपनियों का उपयोग करें और चाइना की हुवेई कंपनी को बाहर करें। अर्थात जो अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, जापान
जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण कोरिया, भारत, इस सभी देशों को शामिल होना चाहिए और D10 ग्रुप बनाना चाहिए और इन सभी देशों को मिलकर 5G के क्षेत्र में अपना विकास करना चाहिए, चीन की कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं रखना चाहिए। ब्रिटेन का मानना यह है कि इससे क्या होगा, हमारी खुद की तकनीकी विकसित होगी और हमारा डेटा भी क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अमेरिका का कहना यह है कि चूंकि ये जो जासूसी कर रहा है इसके कारण हमें आने वाले समय में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भारत में पहले जो है कि इसको लेकर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठी, फिर मांग जो है कि दब गई। अभी भारत ने कुछ समय पहले ही 5G के ट्रायल के लिए हुवेई कंपनी को भी कुछ माह पहले ही अनुमति दे दी है। अर्थात अगर हमारे यहाँ 5G ट्रायल स्टार्ट होता है तो उसमें क्या करेगी, जो हुवेई कंपनी है भी पार्टिसिपेट करेगी। पार्टिसिपेट करने का मतलब यह है कि कंपनी का कद इतना बड़ा है कि बाकी सब कंपनियों को क्या करेगी, ये नीचे कर देगी और इसी को कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन अभी जो है कि हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, इसमें परिवर्तन आएगा। जब भारत ने ऐसा कहा कि वह जो है कि 5G के इंडिया में ट्रायल के लिए हुवेई को भी क्या कर रही है, जोड़ रही है, अनुमति दे रही है, तो चीन ने भारत की क्या की थी, अब जो है कि तारीफ की थी। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया है कि जैसा अमेरिका ने कहा था कि आप क्या करो, हुवेई कंपनी पर प्रतिबंध लगाओ, अमेरिका ने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। यह पहली बार नहीं है कि हुवेई पर जो है कि प्रतिबंध लगाया है। दरअसल यूनाइटेड किंगडम में कई साल पहले से ही यह बात कही जा रही थी कि आप हुवेई पर प्रतिबंध लगाओ, लेकिन क्या हुआ था, इसमें यह कहा गया था कि नहीं, अभी पूर्णतः हम प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, बस इन्होंने यह कहा कि जो भी मोबाइल प्रोवाइडर कंपनियां हैं या मोबाइल सेवा की प्रोवाइडर कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां हैं, वह क्या करेंगे, जब भी 5G का विकास करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि जो हुवेई कंपनी है उसकी हिस्सेदारी 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थात मान लीजिए 100 उपकरण लगाए जाते हैं, 100 टावर लगाए जाते हैं 5G के, तो ब्रिटेन ने कहा था 35 टावर से अधिक हुवेई के नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अब क्या किया है कंपनी ने, पूर्णतः प्रतिबंध क्या किया है, लगा दिया है। और पूर्णतः प्रतिबंध में यह कह दिया है कि यूके का कोई भी मोबाइल प्रोवाइडर या टेलीकॉम कंपनी हुवेई से कोई भी उपकरण नहीं खरीदेगी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो हुवेई के प्रोडक्ट लगाए जा चुके हैं, जो इंस्टॉल हो चुके हैं, उनको भी वर्ष 2027 तक क्या करना होगा, चेंज करना होगा। अर्थात वो चाहते हैं कि हुवेई का सभी कुछ जो है कि उसके देश से बाहर हो जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले भी जब बात उठी थी तो उसमें क्या किया गया था, 35% उपकरण हुवेई से खरीदने की बात कही गई थी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब वाला जो प्रतिबंध है ये पूर्णतः प्रतिबंध लगा दी। और यही कारण है कि कुछ दिन पहले अमेरिका में चर्चा का कारण बना था, उसके बाद फिर भारत में बना था कि भाई 5G में जो है कि आप इसको शामिल क्यों कर रहे हो ट्रायल में, और अब क्या हुआ है जो है कि ब्रिटेन की वजह से चर्चा में बना हुआ है और ब्रिटेन ने क्या किया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध के पीछे जो कारण बताए गए हैं वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। पहला कारण तो है कि अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा दबाव था। अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई भी देश हुवेई के साथ करे और चीन के साथ वह व्यापार को बढ़ाए, उसमें खासकर तब जब वहाँ से डेटा का जो है कि क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो चीन जो है अमेरिका पहले से कह रहा है कि नहीं, सभी देशों को क्या करना चाहिए, हुवेई को बायकॉट करना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि चूंकि अमेरिका के साथ जो ब्रिटेन के रिश्ते हैं ठीक ठाक है, लेकिन अभी ब्रिटेन कुछ समय पहले आपको पता है ब्रेग्जिट हुआ है, अर्थात जो यूरोपीय यूनियन है उससे एग्जिट हुआ है। तो जब एग्जिट हुआ है तो अब क्या करना है, ब्रिटेन को हर देश के साथ अपने ट्रेड का नियम बनाना है, ट्रेड एग्रीमेंट करना है। तो वह अमेरिका के साथ एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है जिसमें उसको कुछ लाभ हो सके। तो अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट फ्लेक्सिबल तभी हो पाएगा, अच्छा तभी हो पाएगा जब अमेरिका खुश रहे। तो अमेरिका को खुश करने का भी एक कारण बताया जा सकता है, हालांकि इसके साथ कुछ और भी कारण। इसी के साथ अभी आपको पता है हांगकांग में चीन द्वारा जो है कि एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया गया। इसमें जो है कि ब्रिटेन ने कहा कि चूंकि यह जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हांगकांग में लाया गया है चीन के दबाव में बिल्कुल ठीक नहीं है, यह मानवाधिकार विरोधी है। तो अभी ब्रिटेन ने कहा है कि हम हुवेई को इसलिए बाहर कर रहे हैं क्योंकि वह एक ऐसे देश की सत्ता के साथ जुड़ी है जो मानवाधिकार का हनन करती। अर्थात कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, कई प्रकार के डायमेंशन लगाए जा रहे हैं। जैसे एक डायमेंशन यह भी है कि हुवेई को जो है कि ब्रिटेन से बाहर करना, क्योंकि ब्रिटेन और चीन एक दूसरे के सामने हैं। ब्रिटेन लंबे समय से कहता आया है कि चीन ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया था।
अब क्या होगा, ब्रिटेन के इस कदम के बाद अन्य यूरोपीय देश भी क्या करेंगे, इस प्रकार के कदम उठा सकते हैं और इससे व्यापार के क्षेत्र में एक फिर से ट्रेड वॉर प्रारंभ हो सकता है। अब इससे ब्रिटेन को नुकसान भी होगा, नुकसान ये होगा कि जो उसका 5G का प्लान है वह 2 से 3 साल लेट हो सकता है। चीन ने जो है कि ब्रिटेन द्वारा किए गए इस कदम की आलोचना की है और कहा है कि यह मुक्त और उचित व्यापार नीति के खिलाफ है और इस तरह से जो है कि अब ब्रिटेन और चीन एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब चीन भी कह रहा है कि ब्रिटेन की कई कंपनियाँ चीन में बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार करती हैं, चाहे वो शराब का हो या गाड़ियों का हो, तो उनको भी वो प्रतिबंध कर लगा सकता है, ऐसी चीजें हो सकती हैं और चीन के लिए बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। भारत ने भी देखिए अभी कुछ दिन पहले ही आपको पता है 50 से अधिक जो है कि चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया और उसी समय हुवेई पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी। अब सरकार भी इस पर विचार कर रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से क्या 5G के लिए नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालना ठीक है, जबकि इस पक्ष में काफी रिपोर्ट्स हैं, काफी सूचनाएं हैं कि जो हुवेई कंपनी है उसमें कहीं ना कहीं चीन का जो है चीन की सरकार का हस्तक्षेप है और वहां के माध्यम से डेटा पहुंच सकता है। आने वाले समय में हम ये सोच सकते हैं कि जो है कि हुवेई कंपनी को भारत में भी प्रतिबंधित कर दिया। अगर ऐसा होता है तो चीन पर बहुत बड़ा वार होगा इंडिया का। अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझिए कि हम आखिर बाहर की कंपनियों को बुला ही क्यों रहे हैं। तो इसके लिए एक चीज़ समझिए कि अभी जो हमारे पास 3G और 4G का नेटवर्क है ना, इसमें भी चीन की कंपनियों का लगभग 30% से अधिक उपकरण लगा हुआ, और 5G के क्षेत्र में अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री को छोड़ दें तो बाकी कंपनियाँ बहुत कुछ कार्य करती हुई नज़र नहीं आ रही। चूँकि ये महंगा है, काफ़ी रिसर्च करना होगा, काफ़ी इनोवेशन इसमें करना होगा, उसके बाद ही ये जो कि 5G चल सकता है, और वहाँ भारत की कंपनियाँ अभी नहीं कर रही। रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल में ही कहा है अपने 43वें एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान कि अब जो है कि भारत अब 5G के मुहाने पर खड़ा है और जल्द ही स्वदेशी तकनीकी वाला 5G सामने आएगा। लेकिन जब तक नहीं आता है तो भारत के पास भी वही विकल्प हैं, या तो हुवेई के पास जाए, या नोकिया और इरेक्सन के पास जाए, या सैमसंग के पास जाए, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, काफ़ी महंगे। आने वाले समय में जब तक हमारे पास 100% टेक्नोलॉजी, खुद की टेक्नोलॉजी वाला जो है कि 5G नहीं आ पाता, तो कहीं ना कहीं भारत को यह भी सोचना है कि हम जनरेशन इंप्रूवमेंट की जगह ऐसा ना हो कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालें। आई होप आप पूरे टॉपिक को समझ पाए होंगे, यही आपका पहला टॉपिक था। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, कोइझू 11। कोइझू 11 एक चीनी रॉकेट है जो हाल ही में प्रक्षेपण के दौरान तकनीकी खराबी से अपने मिशन में विफल हो गया, अर्थात यह ध्वस्त हो गया। इस कारण रॉकेट के साथ जो भेजे जा रहे 2 उपग्रह थे वो भी नष्ट हो गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कोइझू 11 क्या है। अब देखिए, यह जो रॉकेट था यह कम लागत वाला और ठोस ईंधन वाला जो है कि रॉकेट था, और इसको जो है कि प्रक्षेपित किया जा रहा था और उसके दौरान यह क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसे KZ-11 के नाम से भी जाना जाता है, जो कोइझू 11 का जो है कि क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। इसे पृथ्वी की निचली और सूर्य तुल्यकालिक कक्षा के उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था और इस 70 टन का भार वहन करने की क्षमता रखता था। कोइझू को मूल रूप से 2018 की पहली छमाई से लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे लेट यह होता गया। इस साल अर्थात वर्ष 2020 में ही इंजन के परीक्षण के दौरान यह क्या हो गया, इसमें विस्फोट हो गया था और इस तरह से यह विफल हो गया था। KZ-11 वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया और जो है कि चीन का 19वां रॉकेट था। ध्यान दीजिए, जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, इसी दौरान चीन ने अपने इस समय तक 19 रॉकेट लॉन्च कर लिए हैं, जिसमें से 3 रॉकेट जो है कि असफल हुए। कौन कौन से, एक है लॉन्ग मार्च 3B और दूसरा है लॉन्ग मार्च 7A, ये दोनों फेल हो चुके हैं। इसी में KZ-11 का भी अब नाम जुड़ गया है। KZ-11 के साथ भेजे जाने वाले जो 2 उपग्रह थे, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह था जिलिन 1 और दूसरा सेंटी स्पेस 1S2। ध्यान दीजिएगा, सेंटी स्पेस 1S2, ये 2 उपग्रह थे और दूसरा था आपका जिलिन 1। अर्थात जिलिन 1 और सेंटी स्पेस 1S2 को प्रक्षेपित किया जाना था, उसको पहुंचाया जाना था, और ये दोनों क्या हो गए, अब खत्म हो गए। जिलिन 1 को वीडियो शेयरिंग एक वेबसाइट के लिए बनाया तैयार किया जा रहा था, तो वहीं जो दूसरा था आपका सेंटी स्पेस 1S2, इसको डिजाइन किया गया जाना था नेविगेशन के लिए।
अब देखिए, कोविड महामारी के दौरान जब चीन इतनी तेज़ी से और सतत रूप से कंटिन्यूअस, जबकि उसके रॉकेट फेल हो रहे हैं, वह इतना प्रक्षेपण कर रहा है, इसका मतलब यह है कि चीन जो है कि वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग में रुचि ले रहा है। वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग का मतलब क्या है कि सैटेलाइट को ऊपर ले जाना, लोगों को वहाँ पर अंतरिक्ष टूरिज्म के क्षेत्र में कार्य करना, बहुत से ऐसे अर्थात जो स्पेस की छुपी हुई संभावनाएँ हैं उसमें किसी तरह से लाभ हो सकता हो तो उसी को बोलते हैं वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग। इसमें काम कर रहा है। वर्ष 2014 में चीन ने स्पेस के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए अपने नियमों को शिथिल किया और इसके बाद से बड़े पैमाने पर जो स्पेस का क्षेत्र है उसमें निजी कंपनियां टूट पड़ी। आई स्पेस, लैंड स्पेस और एक्स स्पेस, ये कुछ चीन की कंपनियां हैं जो इस समय दिन रात एक करके स्पेस के क्षेत्र का दोहन करने का प्रयास कर रही हैं। चीन वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग में अभी तो भारत से पीछे है, लेकिन जिस तकनीकी से, जिस गति से वह विकास कर रहा है, प्रक्षेपण कर रहा है, आने वाले समय में भारत को टक्कर वह दे सकता है। और ऐसा नहीं है कि जो है कि चीन में ही ऐसा हो रहा है, अमेरिका में अगर देखें, पूरे विश्व में देखें, तो इस समय पूरे विश्व में स्पेस क्षेत्र में दोहन के लिए, वहां पर अपने प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सभी देश प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका इस प्रयास में अभी आगे हैं। भारत में इस प्रकार के अभी प्रयास बहुत जो है कि तीव्रता के साथ नहीं देखे जा रहे। वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2030 तक का जो समय है वह लघु उपग्रह क्रांति अर्थात स्मॉल सैटेलाइट रिवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि इस दौरान लगभग 17,000 छोटे उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा। सोचिए, एक दशक में 17,000 छोटे उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा, तो स्वाभाविक है जिसके पास लॉन्चर अच्छे होंगे, सैटेलाइट्स बनाने की कैपेसिटी अच्छी होगी, जिसके पास रॉकेट भेजने के व्हीकल अच्छे होंगे, सभी चीज़ें जितनी अच्छी होंगी, सस्ती होंगी, वह क्या करेगा, अपनी जो है कि जो वाणिज्यिक स्पेस का क्षेत्र है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना व्यापार कर पाएगा।